ओके गाइस, तो अभी मैं ऐसी म्यूजिक चेक कर रही थी कौन कौन से न्यू आए हैं। तो मुझे एक म्यूजिक दिखा जो कि आया है डी अब्दुल का, जो कि होने वाला है सिस्टम हैंग, जिसमें होने वाले हैं अदनान 00007। ठीक है, तो हमको ये देखना है। ये बिग बॉस में भी आए थे एंड एलविश इनका कुछ पंगा है शायद, तो शायद ये सिस्टम हैंग उनके लिए हो सकता है। बाकी अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, मैंने इसकी इसका कुछ सुना नहीं है एंड इसकी कोई डिमांड भी नहीं आई है। अब सिस्टम ऐसा भी नहीं है कि एल्विश ने कॉपीराइट लगा रखा उसमें कि वो उन्हीं का है, कुछ भी हो सकता है। बट सिस्टम से मुझे लगता है कि उनको ही अगर कुछ गाना निकला तो डिस हो सकता है। तो मुझे बस मजे लेने थे, वकलोली करनी थी, तो मुझे गाना दिख गया, मैं इस पर रिएक्ट किया जाए। देखते हैं इसमें अपना टाइम लगाना सही है नहीं है, तो बस देख लेते हैं। 3 2 1 एंड गो। ओके, अरे एल्विश भाई क्या ये लिया? मत करो भाई। मतलब बिना सोचे समझे बता सकते हैं कि एल्विश के लिए ही है भाई, क्या बात हो गई। अभी देखते हैं पॉकेट में इन्होंने कर दिया या कुछ मीनिंगफुल चीज इसमें होने वाली है। ठीक है, अरे एल्विश भाई क्या ये लिया? मत करो भाई। बड़े क्यों निकाला बिना बात के? बहुत पकड़ने का शौक है ना, देखो पक पक पकड़ लिया। अरे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। डी अब्दुल अदनान 07। करे भुख मारे जो तू है जो कर, सल्लू निकल लूंगा तुझे बेटा धोकर। तेरा सिस्टम हैंगरा विक्टम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर। करे भुख मारे जो तू है जो कर, सल्लू निकल लूंगा तुझे बेटा धोकर। तेरा सिस्टम हैंगरा विक्टम बनना नहीं जाएगी। तो बहुत तेजी से गा रहे हैं, वैसे मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतना सही चलेगा, मतलब सही चल रहा है। बट मुझे लगा मैं ऐसी कुछ गा रहे होंगे भाई, ये तो अच्छा गा। चलो निकल लूंगा तुझे बेटा धोकर। तेरा सिस्टम हैंग करा विक्टिम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर। तेरा सिस्टम हैंग किया बनना नहीं विक्टिम, घर में जाएगी तू रोकर। अच्छे करे भुख मारे जो तू है जो कर, सल्लू निकल लूंगा तुझे बेटा धोकर। तेरा सिस्टम हैंगरा विक्टिम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर। करे भुख मारे जो तू है जो कर, सल्लू निकल लूंगा तुझे बेटा धोकर। तेरा सिस्टम हैंगरा विक्टिम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर। ले आ गया भाई के साइड से डायनामाइट, फोड़ू तू दिख ना पाता। जाके पूछ मेरे बच्चों से उड़ता तीर, घुसता फिर दुखता कितना ज्यादा। जो मेरे साथ में तू आता जाता, खा के मुझसे तू लाफा। हम नर बोले बॉम्बे के चूड़ी लाने वाले, क्योंकि तू तेरा नौकर मादा आता धर्म। अच्छा चूड़ी लाने वाले, ये एक बार अदनान ने चूड़ी गिफ्ट करी थी जब एलविश बिग बॉस के अंदर। डायनामाइट फोड़ू तू दिख ना पाता। जाके पूछ मेरे बच्चों से उड़ता तीर, घुसता फिर दुखता कितना ज्यादा। जो मेरे साथ में तू आता जाता, खा के मुझसे तू लाफा। हम नर बोले बॉम्बे के चूड़ी लाने वाले, क्योंकि तू तेरा नौकर मादा आता धर्म। जात पे क्यों बार बार अनपढ़ गवार, चाहता बनने दावेदार। एक पॉलिटिकल पार्टी का गमला चोर, तुझे सांप काटा नहीं तेरे सर पे सवार। भाई मेरा एमसी शेर, मैं मुराद तेरी पूरी करूं खड़ा हूं मैं आलिया के साथ। बिना गालियों के आज तेरी लेने वाला, शब्दों से लफ्जों पे गौर जो अनैलिया के साथ। हिट कर बेवजह या तो हिट की तू देवजा देवजा। टिकटॉक वाली बात तू ना कर, तेरी टिकटॉक वीडियो तू छपरी है ले मजा। राव जाओ घर पे ना भाव। हाँ गाइस, जैसे टिकटॉक की बहुत बजाई थी एलविश ने, मतलब ऐसा कहा जाता है कि टिकटॉक बंद किया एलविश अकेडमी ने, आज ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद किया। ठीक है, वो तो हम सबको पता है, बट नाम लगा देते हैं कोई बात नहीं। सेकंड चीज, जैसे उन्होंने बोला कि टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला है एलविश ने, तो एलविश ने भी टिकटॉक बनाई हुई है। अगर आपने देखा हो तो सही है, मतलब कुछ गलत उसमें नहीं है, टिकटॉक में कुछ गलत तो नहीं था। बट रोस्ट जिस तरीके से किया था, तो खुद उन्होंने वो काम किया है। तो शेर में मुराद तेरी पूरी करूं खड़ा हूं मैं आलिया के साथ। बिना गालियों के आज तेरी लेने वाला, शब्दों से लफ्जों पे गौर जो अनैलिया के साथ। हिट कर बेवजह या तो हिट की तू देवजा देवजा। टिकटॉक वाली बात तू ना कर, तेरी टिकटॉक वीडियो तू छपरी है ले मजा। राव जाओ घर पे ना भाव, खाओ भाई करे भाव भाव। वीडियो में चुड़िया बनाए पछताए, बिग बॉस अभिषेक ना जिताए। हम गाँव गाँव शहर में भी हक से मचाए। करे भुख मारे जो तू है जो कर, सल्लू निकल लूंगा तुझे बेटा धोकर। तेरा सिस्टम हैंगरा विक्टिम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर। करे भुख मारे जो तू है जो कर, सल्लू निकल लूंगा तुझे बेटा धोकर। तेरा सिस्टम हैंगरा विक्टिम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर। अब सपोज अदनान है, अदनान अदनान के फादर या मदर उसका कुछ काम हम देख रहे हो थोड़ा बहुत, तो उसका बाप मैनेजर हो गया। बताओ तू आया मुझे बोल, मैंने कभी तेरे बाप को बुलाया, तेरे फैंस को रुलाया। जब भी सुने मेरा डिस्क, तुझे डिस्को नचाया। टिकटॉक पे बनाया तूने वीडियो, जा देख पहले खुद तू बनाया। तुझे कुत्ता बनाया जिसे बोला तूने जर्मन शेपर्ड। बैटल चले यहाँ फट के ना रैपर, रैपर 17 से खतरा। उसका नाम ले लिया है क्या? धुन आंटी का भी नाम लिया है क्या इसमें? फैंस को रुलाया जब भी सुने मेरा डिस्क, तुझे डिस्को नचाया। टिकटॉक पे बनाया तूने वीडियो, जा देख पहले खुद तू बनाया। तुझे कुत्ता बनाया जिसे बोला तूने जर्मन शेपर्ड। बैटल चले यहाँ फट के ना रैपर, रैपर 17 से खतरा। अरे बेटे मुझे इतनी औकात नहीं, वीडियो में काहे काहे सामने की बात नहीं। ध्रुव ने बेला बाहर अंदर, शुक्र तू कर बेटा उठा मेरा हाथ। नहीं बात नहीं,
मेरा हाथ चले बहुत, नाम लेके बेटा तेरा काम चले बहुत, निष्ठ फैसू दिया शो पे जवाब, मेरे बिना होने वाली तेरी पिक्चर फ्लॉप। मुझे पता तेरा काला धंधा, जैसे गोडसे के हाथ में इंडिया का झंडा, प्रोपेगेंडा तेरा दो मुंह तू गंदा, जो बदले भेस जैसे बदले की जनता, कान चेक तेरा सुधर जाएगा, मेरे भाई से लड़के सीधा गुजर जाएगा, तेरा फेम का बुखार बेटा उतर जाएगा, टक्कर में सीधा उतर जाएगा, चल पीछे करे भूख मारे जो तू है जोकर, सल्लू निकल लूं मैं तुझे बेटा धोकर, तेरा सिस्टम हैंगर अब एकदम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर, करे भूख मारे जो तू है जोकर, सल्लू निकल लूं मैं तुझे बेटा धोकर, तेरा सिस्टम हैंगर अब एकदम बनना नहीं जाएगी तू घर पे जो रोकर। बाकी जिस बताओ, नेट भी हैंग हो गया मेरा तो चल जा भाई, बात सुनने दे उनकी, चल जा, कुछ तो कहने वाले हो तगड़ा सा। बाकी जिसको जिसको उड़ता तीर लेने का ज्यादा शौक है उसको यही बोलूंगा, चलती में चढ़ोगे तो मुंह के बल गिरोगे। इतना भी क्यों बोला? ओके गाइस, नाइस, बढ़िया था। तो जो हुक है वो मजेदार है, वाइब में मजा आ रहा है, बाकी समझने के लिए वो तो खोलना ही पड़ेगा आपको, लिरिक्स देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। बाकी एल्विश की इसमें आवाज़ भी डाली गई है, मजेदार है। बट देखो मैं सच बताऊँ, मैं एल्विश को भी, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी फ़ैन हूँ या मैं इसकी कौन अदनान की फ़ैन हूँ, ना उसको मैं हिट करती ना इसको मैं हिट करती हूँ, सिंपल है, सुन लेंगे मज़े ले लेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक था, अच्छा लगा सुनने में, सही है, बट क्यों किया है ये कुछ समझ में नहीं आया, इनकी पहले की लड़ाई है। अब टिकटॉक वही चीज़ें बाद में फिर चलती रहेंगी तो मज़ा नहीं आता यार, टिकटॉक हो गया चला गया, बैन हो गया, ख़त्म करो बात इसको, वही टिकटॉक यूट्यूब ये क्या चलेगा पता नहीं। इसके बाद तो लगा एलिश ने भी गाना निकाल दिया, वो भी डिस निकाल दिया, क्योंकि एलिश अब गाने वाने लग गए हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मुझे लगता ना ही निकाले, क्यों ही निकालना है, अब देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। बाकी आपको पसंद आया तो प्लीज़ बताइए, बाकी मेरी तरफ से किसी को भी हेट नहीं है ना, कोई हेट करो भाई, सुनो मजे लो बस, खत्म करो बात, ठीक है। तो होप आप लोगों को एंजॉय करा होगा, मैंने फ्लॉ नहीं जाएगा, आपने देख ही लिया है, फिलहाल के लिए इसका एंड कर दें, होप आप लोगों को एंजॉय करा होगा, चलो बाय बाय।